ड्रीम बोर्ड, राइट। इसको हमने क्या करना है, हमने रेड एंड येलो से करना है। टेक अ कार्डबोर्ड, उसमें येलो कलर चार्ट पेपर लगा दो और बॉर्डर्स पे आप रेड कलर डाल दो। नॉट नेसेसरी ऐसे ड्रीम बोर्ड भी रेड करना है, ये मैंने ऐसे डिजाइन किया, बट देन इसका जो बॉर्डर्स है दैट हैज टू बी रेड। व्हाई? बिकॉज रेड येलो कॉम्बो इज मूलाधार चक्र का कॉम्बो, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू चक्रास, ओके। एंड विश फुलफिलमेंट कहां से होता है, जब तक काम नहीं करोगे तब तक नहीं होता है, तो वो मूलाधार से आएगा, इसलिए हम ये कलर कॉम्बो में ज्यादा करते हैं। फाइन, सो दिस इज लाइक इफ आई वॉन्ट टू फ्लाई, या कहीं मेरे को ट्रेवलिंग करना है तो मैंने एरोप्लेन का डाला है, मुझे घर खरीदना है तो घर का डाला है, शादी करनी है तो उसका डाला है, पैसा चाहिए तो उसका डाला है, लाइक दिस। एंड वॉट इज, यू शुड नो योर पर्पस, योर ड्रीम शुड बी एनकरेजिंग, एंथुजियास्टिक होना चाहिए उसमें, यू शुड हैव अ थ्रिल कि मुझे मेरा ड्रीम पूरा करना है करके। अगर वो थ्रिल नहीं आया तो इतना मेहनत करने का कोई तुक नहीं बनता, बिकॉज जब तक आप पूरे उस जॉय के साथ नहीं करोगे तब तक वो आपको वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं देगी, राइट। कितनी बार हमने जिम में पैसा दिया और हम जाते नहीं है, ना, वी फील एज इफ इट्स अ बर्डन फॉर अस। सो बर्डन कभी नहीं करना, ऑलवेज बी इन द लाइट मोड, लाइट होके काम कर, राइट। एंड अगर फिर भी एनकरेजमेंट की कमी है तो जैसे अभी प्रीति ने, जैसे उनको जो पसंद है वो चिपकाया, वैसे आपको जो अफर्मेशन अच्छी लगती है वो चिपकाओ। रोज ग्रेटिट्यूड कॉलम भी एक बनाना इसी स्केड्यूलिंग में ही, कि मैंने आज ये अचीव किया, आई एम थ्रिल्ड, आई एम अमेज्ड, आई एम वंडरफुली, माय लाइफ इज ट्रांसफॉर्मिंग, लाइक दैट। मेक फ्यू एनकरेजिंग स्टेटमेंट फॉर सेल्फ, कोई और आके नहीं बताना चाहिए, हमें खुद अपना एनकरेजमेंट, इट्स लाइक सेल्फ लव, अपना एनकरेजमेंट खुद ही करो पहले, राइट। क्यों करना है वो भी मैं फिजियोलॉजी भी बताऊंगी अभी, ब्रेन का, ओके। स्टेप्स इन क्रिएटिंग ड्रीम बोर्ड, व्हाट आर द स्टेप्स, लाइक यू, इफ यू टेक, देखिए दो चीज है इसमें, एक तो ड्रीम बोर्ड है जो हमने ऐसे पेपर्स पिक्चर्स चिपकाए, दूसरा एक नोट है, ऐसे बनाना है आपको, नोट एक लेना है, इस पे कवर चढ़ानी है अच्छे से, और इसमें एक आपका सिंबल होगा जो आपको अच्छा लगता है, किसी को फ्लावर पसंद है, किसी को लोटस पसंद आया, किसी ने ओम बोला था उस दिन, है ना, ऐसा। दिस इज योर पर्सनल डायरी, ये आपके खुद का एनकरेजमेंट डायरी है, राइट। उसमें क्या होगा, मेक फ्यू डिविजन्स, अलग अलग डिविजन्स, फिनेंशियल डिविजन, प्रोफेशनल डिविजन, फैमिली, रिलेशनशिप, आपकी मर्जी है, इट्स योर बुक, आपको जैसे करना है वैसे अलग अलग कीजिए। फिनेंशियल डिविजन में क्या होगा, आपको पैसे कमाने हैं 2023 में, तो आप कैसे कमाओगे, अपना फिनेंशियल what do you call, freedom, you can say, financial freedom is very very important. What is financial freedom? जब हम बाहर जाते हैं हमारे पास इतनी freedom होनी चाहिए कि हम खर्च करें उसको, 100 बार सोचना ना पड़े, that is financial freedom, right? वो कब आती है, उसके लिए ही plan करना। अगर अभी मैं 5,000 की चीज नहीं ले सकती तो मैं कैसे ले सकती हूँ उसको, वही आपने लिखना है अपने उसमें, कि मुझे अपनी काबिलियत कैसे मैं बढ़ाऊं, काम कैसे और करूं। जब तक यू कैन से, मैंने अगर 5 बच्चों को भी ट्यूशन ली है तो मैं और उसमें मार्केटिंग करके 10 लोगों को ट्यूशन कैसे ले सकती हूँ, उसमें आपको डिटेलिंग करनी है। प्रोफेशनली ऑल्सो सेम, प्रोफेशनली एंड फाइनेंशियल कम इन द सेम ब्रैकेट, राइट। फैमिली, फैमिली मतलब फैमिली की देखभाल करना, या फैमिली में, फॉर एग्जाम्पल, बहुत साल से मैंने मेरे चाचू से बात नहीं किया, तो उनसे मैं आज कनेक्ट करूंगी, इट्स एज सिंपल एज दैट, है ना। सो लाइक दैट, फैमिली में वो सब कुछ, आपको जो मन करे आप लिखो उसमें, मैं इतना टाइम स्पेंड करूंगी मेरे फैमिली के साथ,
मैं आज ये करूंगी फैमिली के साथ ताकि मेरा रिलेशनशिप और बढ़े। इसमें फ्रेंड्स भी आ सकते हैं। हेल्थ हेल्थ में जैसे मैं इतना डाइट फॉलो नहीं करती, तो एटलीस्ट मैं इतना कोशिश करूं कि ब्रेकफास्ट में तो मैं ओट्स ले लूं या यू नो एनीथिंग विच इज हेल्दी रादर देन हैविंग आलू का पराठा। दैट वन हेल्प माइट चेंज योर हेल्थ। गो स्लोली, फास्ट मत करना कि मैं पूरे डाइट प्लान बनाऊंगी, नहीं, ब्रेन कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इमीडिएट रश करोगे, सबकॉन्शियस माइंड बंद हो जाएगा आपका काम करना। गो वेरी स्लोली, 20% ही देना है आपने एक दिन में। पूरा 80% देने की कोशिश करोगे नहीं होगा, अगले दिन लेट जाओगे। सो बिल्कुल एक एक स्टेप करके उठाना, आप ही का है सब कुछ, पूरा 2023 आप ही के लिए है, राइट? यू शुड हैव फन आल्सो, एड फन एलिमेंट इन दैट। जो आपको पसंद हो दैट इज योर फन। कुछ नहीं तो पेंटिंग करना अच्छा लगता है, करो। मैं अपनी बेटियों के साथ पेंटिंग करती हूँ, मेरे को बहुत पसंद है। जब बहुत ज्यादा काम हो जाता है या कोई रिफ्रेशमेंट चाहिए, कुछ नहीं तो पेंटिंग या यू नो एनीथिंग एनीथिंग व्हाट एवर, कुकिंग बेकिंग। बहुत लोगों को घर साफ करना भी पसंद है, इट रिलैक्सेस मेनी पीपल डू दैट। गार्डनिंग पसंद है, म्यूजिक सुनना तो आजकल सभी को पसंद है, तो मैं वो I mean, it's like सबका फेवरेट हो गया, सो डू दैट। या यू कैन ज्वाइन, फॉर एग्जाम्पल जिम नहीं जाना है वेट करने के लिए, वेट रिडक्शन के लिए, कहीं पास में भी डांसिंग क्लास है, मैं वहां ज्वाइन करके मैं बिकॉज दैट इज माई हॉबी ऑल्सो, और मेरा यू नो टारगेट भी पूरा हो जाएगा, वेट भी रिड्यूस हो जाएगा। फन एलिमेंट ढूंढना हर चीज में, सो इट विल ईज योर पाथ। ठीक है, कोलाज बनाना है, मोटिवेशनल अफर्मेशंस आप लिख सकते हो उसमें।